अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद एसके। मैं हूँ शबीना खान और आज मैं आपके साथ एक और भिंडी की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही मज़े की, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। इसको आप चाहे तो लंच बॉक्स में, नाश्ते में या फिर सफ़र में आप कभी भी बहुत आसानी के साथ ले जा सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल ड्राई भिंडी बनके तैयार होगी। इन भिंडियों को बनाना बिल्कुल आसान है और इसको बनने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, हाथ के हाथ बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ के जी भिंडियाँ ली हैं और उनको इस तरह से लंबाई में 1 के 4 पीसेस करके कट कर लिया। जो ज़्यादा बड़ी हैं उनको 20 से कट कर दी है हाफ। तो और उसके साथ मैंने यहाँ पर ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, उसको इस तरह से बारीक कट किया है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हैं। तो ये सारी मैंने एक साथ ही मिक्स कर दी हैं, आपको खाने के लिए अलग अलग से रखी हुई थी, बाकी मैंने एक साथ मिक्स कर दी हैं। दूसरी तरफ मैंने ले ली है एक कढ़ाई और जिसमें मैंने कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करे हैं। उसमें है 1/4 टीस्पून मेथी दाना है, 1 टीस्पून सूखे धनिए का पाउडर है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है सौंफ का और 2 खड़ी हुई लाल मिर्च हैं, उसको भी मैंने इसी तरह से शामिल कर दिया। अगर आप पाउडर डालना चाहते हैं तो फिर आप बाद में डाल सकते हैं। और उसके साथ मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पे अजवाइन का लिया था, 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा, 1 टीस्पून ही ये राई है। आप चाहें तो मोटी वाली राई आती है जिसे सरसों भी बोलते हैं, तो पीली या काली आप उसमें से जो आपके पास हो तीनों में से आप ले सकते हैं। और इनको एक अच्छी सी खुशबू आने तक बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लेंगे और निकाल लेंगे इनको अलग बर्तन पर और इनको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। जब ये मसाले थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब इनका एक पाउडर बना लेंगे, बिल्कुल हल्का सा बारीक होगा और बाकी थोड़ा सा दरदरा, बस इतना पाउडर बनाना है और उसको रख देंगे साइड पे। और मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून करीब बेसन लिया है, उसको उसी कढ़ाई में मैंने डाल के हल्का सा गुलाबी होने तक, खुशबू आने तक इतना ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसको भी अलग निकाल लेंगे। तो जो आपको मसाले दिखाए थे वो ठंडे हो गए, उसके बाद ये मिक्सी में डाल के इस तरह से दरदरा सा पाउडर बना लिया है, उसमें शामिल कर दी है 1/4 टीस्पून हल्दी है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि खटाई पिसी हुई वो ऐड कर दी है और जो आपको बेसन दिखाया था ड्राई रोस्ट करके निकाला है उसको भी इसी में शामिल कर दिया है। और जिस बर्तन में मैंने बेसन को ड्राई रोस्ट किया था तो उसमें ही मैंने ये ऑयल को ऐड कर दिया है, ये सरसों का ऑयल है। अगर आप सरसों में बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की भिंडियाँ बन के तैयार होंगी। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और उसको ऑयल के साथ बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई की है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और ये बहुत ही अच्छे से भून जाए। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि अदरक लहसुन कितनी अच्छी तरह से भुना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें शामिल कर दी हैं भिंडियाँ। भिंडियाँ और प्याज जो आपको दिखाई थी कट करके एक साथ मिक्स कर दी थी, ये वही दोनों चीज़ें हैं जो यहाँ पर इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। मिक्स करते जाएंगे और गैस की फ्लेम जो है उसको बिल्कुल हाई पे रखेंगे और बाकी की भी सारी भिंडियाँ इसी तरह इसमें मिक्स करते हुए ऐड करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सारी भिंडियों को ऐड कर दिया है थोड़ी थोड़ी करके ताकि वो अच्छी तरह ऊपर नीचे से मिक्स हो जाएँ और सारी चीज़ें अच्छी तरह से भिंडियों पर मसाले जो भी हैं वो अदरक लहसुन वगैरह बहुत अच्छे से भिंडियों पे लग जाए, क्योंकि इसमें पानी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ड्राई भिंडी बनाएंगे तो करीब 3 से 4 मिनट के मैंने इसी तरह इसको छोड़ दिया है और चलाती रही हूँ, ऊपर नीचे करती रही हूँ। उसके बाद जब ये हाफ डन हो जाएंगे उसके बाद जो आपको मसाला दिखाया था तैयार करके रखा है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे और आप देखेंगे कि हाथ के हाथ ही ये भिंडियाँ बन के बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आपकी ये सारी चीज़ें मसाले वगैरह पहले से ही बन के रेडी हैं तो बस इसको कम से कम 15 मिनट आपको लगेंगे इस तरह से भिंडियों को तैयार करने में। तो जब भी सुबह की भाग दौड़ हो तो आप इसको रात से ही इस तरह से इंतज़ाम करके रख लें और सुबह 10 मिनट के अंदर आप ये भिंडियों को बना के रेडी कर सकते हैं। तो और बहुत ही आसानी से आप इसको टिफ़िन में, नाश्ते में और सफ़र वगैरह में, आप कहीं पे भी अगर आप इन भिंडियों को टिफ़िन में पैक करके ले जा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आसानी के साथ आप इसको टिफ़िन में पैक करके ले जा सकते हैं। और बहुत ही मज़े की बनती हैं ये, पराठों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप चाहे तो रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटियों से भी ये बहुत ज़्यादा
पसंद की जाने वाली भिंडियाँ हैं। और देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको लगातार फैलाते हुए चलाया है और चलाती रही हूँ, क्योंकि हाई टू मीडियम फ्लेम पे मैं भिंडियों को बना रही हूँ। तो आप गैस का भी ख्याल रखें ताकि ये भिंडियाँ नीचे से लग नहीं जाए, और देखते ही देखते आपकी भिंडियाँ बनके हो जाएंगी बिल्कुल रेडी। तो अगर आपको ये भिंडी की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, मैं आपसे बात करते करते ही मैंने यहाँ पर भिंडियों को रेडी कर लिया है, और देखिए बनने के बाद ये कितनी मज़े की बन के तैयार हुई हैं। तो जब भी अगर आपका मन करे बहुत जल्दी से आपको कुछ ऐसा बनाना हो, तो आप इस तरह से एक बार इस भिंडी को इस तरह से ट्राई ज़रूर करके देखें कि आपको कैसे लगी हमारी ये रेसिपी। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये आपने बनाई और आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखें और कुकिंग विद एसके चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।